छपरा के बनियापुर में जो मॉब लिंचिंग की घटना घटी जिसमें 3 लोगों की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी, उसमें से जो 2 युवक थे वो कन्हौली मनहर एक इलाके के रहने वाले थे और राजू और विदेश उनका नाम था, और इस वक्त हम उनके घर पर यहाँ मौजूद हैं। और घर में जो आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं, जो महिलाएं हैं काफ़ी यहाँ पर गमगीन है, मातम का माहौल है, और जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, और इनको बार बार जो है कहा जा रहा है परिवार की तरफ से जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं गलत घटना है, और न्याय की आस लगा के बैठे हुए हैं परिवार वाले। जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। राजू के बड़े भाई से जरा बात करते हैं। आप राजू के बड़े भाई हैं, क्या नाम है आपका? हमारा बिशनट, बिशनट। क्या मतलब जो घटना हुआ है क्या कहेंगे? बस कोई सबूत ना सर, मिल के मुआ दिया साहब, जान मार दिया भाई के, मर जाएगी जान से मार के भी। बस बस बस, कोई हमारे भाई की कोई गलती नहीं हुआ साहब, नासी अन्याय से पकड़ के मुआ दिया सर। आप कौन है? पत्नी है, क्या नाम है? कांति देवी। मोतीलाल फोन करके दूगो भैंस रहे लगर बच्चे वाली बोलन, काले दिन में गैलन तो कहतर गाड़ी लेके आओ भोर में लाद के ले जाइए, तो अनजान के बाद में गैल बरन 5 बजे भोर में 35,000 रुपया लेके रुपया छीने लगल जाते में जान मार दे लोग। मोतीलाल चमार तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार जो है इस वक्त सदमे में है, और जो घटना घटी है कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि साजिश के तहत जो है ये मॉब लिंचिंग घटना को अंजाम दिया गया है, और मांग उठ रही है कि इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और आलोक जायसवाल के साथ रोहित सिंह, मधर करौली गांव छपरा। अरे गौरा के लगावा छीने